फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बताएंगे, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि कमोड में कंटिन्यू पानी चलता रहता है। अभी हम वही चेक करेंगे। देखिए, कमोड में कंटिन्यू पानी गिरता रहता है। ये पानी क्यों आता है? क्योंकि फ्लश करने पर पानी आना चाहिए, लेकिन कंटिन्यू आता रहता है। अभी इसको कैसे रिपेयर करते हैं, क्यों क्या रिपेयर करना है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले फर्स्ट टैंक को आपको कवर खोलना है। कवर खोलने के बाद पहले पानी तो भर रहा है, लेकिन पानी यहाँ स्टे नहीं हो रहा है, सब नीचे जा रहा है। आपको क्या करना है, फर्स्ट टैंक खोलने का टाइम पे पहले वाल्व को बंद कर देना। अभी ये जो लॉक है फर्स्ट टैंक का, इधर एक बॉटम लॉक है, उसको ऐसे घुमाना है, उसको खोलना है। खोलने के बाद है फिर ये जो फ्लश साइपन को जो उठाता है उसका बॉटम को निकालना है। यह अभी निकल गया, यह अभी खुल गया। इसमें देखिए एक तरफ राउंड है और तीनों तरफ स्क्वायर है। इस बॉड इसी जो स्टिक में है इसमें भी एक तरफ राउंड है, तीन तरफ दो जो तीन तरफ है स्क्वायर है। तो आपको जब लगाने के टाइम में ऐसे ही लगाना है। अब हम साइपन को खोलेंगे। साइपन को खोलने के इसको साइपन को सेंटर में ऐसे पकड़ना है और आपको उसको लेफ्ट को घुमाना है। अब ये खुल गया। तो साइपन कैसे स्टे करता है, ये जो बॉटम है सभी जो बॉटम चार बॉटम रहता है और सेम उसका अंदर वो ग्रिप पकड़ने के लिए उसका भी रहता है अंदर, इसलिए उसको लगाने के टाइम में लगा के राइट को घुमा देना है। अब हम इसका देखेंगे, इसका वाशर जो है ये पूरा सड़ गया है। ये वाशर सड़ जाने के बाद खराब हो टूट जाता है, इसलिए वो साइपन का पानी वो रुकता नहीं है। अभी हम इसका वाशर चेंज कर देंगे। ये है साइपन का वाशर है। कोई भी हार्डवेयर शॉप में गया तो आपको इसी वाशर मिल जाएगा। ये रबर का वाशर होता है, साइपन वाशर, उसको हार्डवेयर में साइपन वाशर बोलते हैं फर्स्ट टैंक का। लेकिन क्या है, इस फर्स्ट टैंक के जितने हैं जो सिस्टम है वो सभी अलग अलग वाशर आता है। आपको देखना है कौन सा साइज का है, आपको उसी हिसाब से वो साइज का वाशर लेना है। फिर आपको इसमें उसको ऐसे प्रेस करके एक ग्रिप का जो ये जो दो सेंटर है इसका से दो सेंटर का अंदर लगाना है इसको। अब ये लग गया। अब हम इसको थोड़ा वॉश कर लेंगे। अब ये वॉश हो गया है। अब हम उसको फिट करेंगे। फिट करने का टाइम में बिल्कुल साइपन को ऐसे ही उसका सेंटर में रखना है। रख के जब वो ग्रिप का पैसा आ गया अभी लग गया, अब इसको राइट घुमा देना है। अब ये स्टे हो गया। अब फिर हम इसका फ्लश बॉटम को डालेंगे। ये जो हुक है हुक का ये जो दो जगह में सेंटर में रहना है, अभी सेंटर में हो गया। अब हम इसको ऐसे डाल दें। अब इसका जो बॉटम है वो बॉटम को थोड़ा टाइट, कभी कभी फ्लश करने का टाइम निकल जाएगा इसलिए इसको टाइट कर दूंगा। अब ये रेडी हो गया। अब पानी खोल के देखेंगे। Thank you.
अभी ये पानी भरना शुरू हो गया है, अभी ये पानी क्या हो जाएगा। अभी पानी कवर लगा देंगे। अभी ये जो सिस्टम है ये सब अलग टाइप का आता है, इसका लॉक सिस्टम आता है, इसका अभी लॉक है ही नहीं, इसका लॉक सिस्टम आता है, किसका हाफ टर्न हाफ प्लस और फुल प्लस दो बटन आता है, उसका जो साइज है सब डिफरेंट डिफरेंट आता है, इसलिए आपको जो भी खोलने का टाइम साइपन को खोलने के बाद उसका वाशर का साइज देख लेना है, हार्डवेयर शॉप में उसी टाइप का खोल ले सकते हैं, लेके इसको फिट कर दें तो पानी लिका लीकेज बंद हो जाएगा। अभी ये फ्लश भर गया है पूरा, अभी हम उसको फ्लश करके देखेंगे। अभी ये पानी बंद हो गया, जो पानी लीकेज हो रहा था वो बंद हो गया। देखिए ये साइपन का ऐसे वाशर खराब हो गया, या तो साइपन का नीचे कुछ अगर डस्ट बैठ गया कुछ हुआ तो थोड़ा सा अंदर क्लीन करके इसको साइपन को लगा सकते हैं। तो ये आज का हो गया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए कमेंट करिए, आपको जो भी है प्रॉब्लम के बारे में हमारा चैनल में आपको मिल जाएगा।